वेलकम टू लाइब्रेरिया स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे CCC की मल्टी वॉल्यूम बुक एंट्री। चलिए देखते हैं। चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यह है मल्टी वॉल्यूम बुक एंट्री, ठीक है। तो इसको कैसे पहचानेंगे, इसमें दे रखा ना इन टू वॉल्यूम्स, तो ये इसकी पहचान है। ओके, तो ये इसका कॉल नंबर आ गया, पर अब वही सेम ही है इसमें, ठीक है ना। अब इसमें भी एक ये दे रखा है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, यानी कि ये इंस्टीट्यूट वाली है ये एंट्री, ठीक है ना। तो इंस्टीट्यूशन का दे रखा है इसमें, तो उसमें आपको बताया था मैंने सब्जेक्ट बाहर निकाल लेंगे, ब्रैकेट में आ जाएगा ये, अप्लाइड के बाद डैश आ गया, ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लेस आ जाएगी, जब भी नेशनल या कुछ ऐसा हो तो प्लेस आ जाती है, यहाँ पर आ गया इंडिया, कॉमा लगा के रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। क्योंकि इसमें दो दे रखा, देखिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है और एक ये काउंसिल है, ठीक है, तो इन दोनों का आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद सर्वे ऑफ इंडियन बुक इंडस्ट्री, ये ऊपर जो इसका टाइटल है वो टाइटल यहाँ आ जाएगा, ठीक है, सर्वे ऑफ इंडियन बुक इंडस्ट्री, ये आ गया, डॉट लगा के 2V, यानी कि ऊपर लिखा है इनमें इन टू वॉल्यूम्स, तो यहाँ आ जाएगा डॉट 2V डॉट, यह आ गया एक्सेशन नंबर इसका, ठीक है, ये जो एक्सेशन नंबर दे रखा है इस हिसाब से इसकी मेन एंट्री बनेगी। बस मल्टी वॉल्यूम में कुछ भी नहीं है, मल्टी वॉल्यूम में आपको पहले तो पहचानना है कि ये गवर्नमेंट की है, कॉन्फ्रेंस की है या इंस्टीट्यूशन की है या फिर नॉर्मल एंट्री है वो, ठीक है, बस वो पहचानना है। यहाँ पर वॉल्यूम्स का डिस्क्रिप्शन देना है, ठीक है ना, तो डिस्क्रिप्शन में वॉल्यूम का ज़रूर बताना है कि इन टू वॉल्यूम्स है, थ्री वॉल्यूम्स है, वो बताना है, और बाकी तो सब कुछ सेम ही है, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। हाँ, इसकी एडिट एंट्री आपको कैसे बनानी है वो आपको पता ही है, ये ओपन हो जाएगा इसका पूरा, ठीक है, एक इसकी बन जाएगी और मैं आपको बता, ठीक है, ट्रेसिंग है ये ऊपर, तो ये बन गई देखिए इसकी CI, ये ओपन करके ये पूरा जो था इसका क्लास नंबर, इसको ओपन करके देखिए, सेकेंड देन थर्ड फोर एंड देन फाइव एंट्रीज इन्होंने बनाई है इसको ओपन करके, और आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। चेन प्रोसीजर को ओपन करना तो मैंने आपको बताया था, कॉलन में से करते हैं, आप उस हिसाब से इसे बना सकते हैं, ठीक है। एक लास्ट की बनेगी ऑथर BI, ये देखिए ऑथर BI में क्या है, वही चीज़ सेम जो इंस्टीट्यूशन में हमने किया था वही ये बनेगी, ठीक है ना, ये आ गया ऊपर ऑथर, इसको हमने ऊपर लिखा ही था अभी मेन एंट्री में, वो एज इट इज़ आ जाएगा, इसका नेम आ गया, टाइटल, ठीक है ना, जो बुक का टाइटल है वो आ गया, डॉट 2V आ गया, ठीक है, और यहाँ पर हमारा इसका पूरा कॉल नंबर आ गया, इस तरीके से बनानी है। अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, ठीक है, ये नेक्स्ट एंट्री है, इसमें देखिए आप क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स बाय अल्फ्रेड बर्टन रेंडल, तो ये तो नॉर्मल बुक की एंट्री है, ठीक है ना, ये कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह वाली नहीं है, नॉर्मल वाली आ गई देखिए यहाँ पर, और वॉल्यूम्स भी दे रखी है और वॉल्यूम्स का डिस्क्रिप्शन भी है, वॉल्यूम्स के नेम्स अलग से दे रखे हैं, ठीक है ना, इसमें वो भी आपको ध्यान में देना है। तो अब मैं आपको बताती हूँ एंट्री कैसे बनानी है, देखिए कॉल नंबर आ गया, ऑथर का नेम आ गया, सरनेम फोन नेम में ये दे रखा है ना बाय अल्फ्रेड, तो ये पूरा आ गया रेंडल, और ब्रैकेट में अल्फ्रेड बर्टन, ये ब्रैकेट में आ गया, सरनेम फोन नेम में है ना, सरनेम हो गया, फर्स्ट नेम हो गया, ब्रैकेट में डॉट, उसके बाद इसका टाइटल आ जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है, ये ऊपर जो टाइटल दे रखा है वो एज इट इज़ आ जाएगा रनिंग में, डॉट 2V, मैंने आपको बताया था वॉल्यूम का डिस्क्रिप्शन ज़रूर देना होता है टाइटल के बाद, तो टाइटल के बाद वॉल्यूम का डिस्क्रिप्शन आ गया डॉट 2V, ठीक है, क्योंकि टू वॉल्यूम दे रखे ना यहाँ पर, वॉल्यूम 1 एंड 2, बस उसको देख के यहाँ पर कर दिया, यहाँ पर डॉट 2V डॉट, अब लिखना है V1, फिर V1 यानी कि वॉल्यूम 1, तो V1 ये देखा, इसका नाम दे रखा है देखो टाइटल इसका वॉल्यूम 1 का, ठीक है, तो ये V1 डॉट करके इसका टाइटल का नेम आ जाएगा, उसके बाद डॉट करके इसका एडिशन आ जाएगा, ओनली एडिशन लिखना है आपको यहाँ पर पहले तो, ठीक है, वो ऐसे ही है जैसे हम लिखते थे ना, टाइटल लिखते थे, एडिशन लिखते थे, फिर एडिटर लिखते थे, तो वैसे ही है, तो टाइटल आ गया डॉट करके ED8 आ गया, देखिए यहाँ लिख रखा ना 8 एडिशन आ गया यहाँ पे, अबे रिवाइज एंड एडिटेड बाय P Maheshwari, जो कि यहाँ पर दे रखा है रिवाइज विद एन इंट्रोडक्शन एंड नोट्स बाय P Maheshwari, तो P Maheshwari इसके एडिटर हैं,
तो उनका आ जाएगा, ठीक है। तो डॉट, अब आर ई वी लिखा है क्योंकि रिवाइज एडिशन है इस वजह से, नहीं तो डॉट लगा के बाद, डॉट लगाने के बाद ई डी बाय डायरेक्ट आ जाता, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम टू वी टू, ठीक है, वी टू डॉट और वॉल्यूम टू का नेम आ गया। अब ये रीप्रिंटेड एडिशन है तो ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक्सेशन नंबर आ जाएगा, इसकी एडिड एंट्रीज भी दिखा देती हूँ आपको, ठीक है। ट्रेसिंग तो बनती बनती है, उसके अलावा ये देखिए सी आई बनी है इसकी, सी आई, ठीक है, सी आई 1 2, ठीक है, ओपन कर लिया ये। I5 है ना, तो आई से बॉटनी होता है, ठीक है। लास्ट में एक ये बॉटनी की बन जाएगी थर्ड नंबर पे, ये देखिए बॉटनी की बन गई। फिर ये ऑथर बी आई बन गई, ऑथर दे ही रखा था ऑथर का नाम, ऑथर बी आई बन गई। टाइटल आ गया, डॉट टू वी आ गया डॉट, उसके बाद ये यहाँ पे कॉल नंबर आ गया इसका। फिर बन जाएगी कोलैबोरेटर बी आई, ठीक है, कोलैबोरेटर थे इनके माहेश्वरी, ठीक है। रिवाइज एडिशन था तो रिवाइज़र भी है एडिटर भी है, तो आर ई वी एंड ई डी, इसलिए लिखा है ये अंडरलाइन लगा के डॉट, ठीक है ना। तो हमेशा आपको पता है सरनेम फोन नेम में आता है कोलैबोरेटर का नाम, फिर कॉमा लगा के उसका जो भी डेजिग्नेशन जो भी पद होता है वो आता है उसका, ठीक है। फिर आ गया इसका ये वॉल्यूम था ना 1, उसका था ये नेम था और उसका वॉल्यूम 1 का एडिशन था, ठीक है। अब इसीलिए इसमें बताया है कि ये जो है वॉल्यूम 1 का है, तो फॉर्मिंग V1 ऑफ रेंडल, तो रेंडल तो इसका मेन तो है ही ना, ये मेन ऑथर है ही, तो उसका नाम आ गया, ठीक है। और क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से मेन जो टाइटल था वो आ जाएगा, और डॉट टू वी डॉट, और ये इसका वापस से कॉल नंबर। फिर एक इसने ऑल्टरनेटिव नेम एंट्री बनाई है क्लासिफिकेशन सी नॉमिन क्लेचर, तो नॉमिन क्लेचर को क्लासिफिकेशन भी बोलते, तो इस ऐसे करके, ठीक है ना। तो वो तो आपको कॉलन से मिलेगा ये सब। तो देखिए नेक्स्ट एंट्री है ये द हिस्ट्री ऑफ इंडिया 3 वॉल्यूम्स, ठीक है। इसमें यहाँ पे इसके ऑथर का नाम भी दे रखा है और वॉल्यूम 1 का नाम यहाँ ऊपर दे रखा है। वॉल्यूम 1 का नाम है एंशंट इंडिया, ठीक है, ये तो पूरा बुक पूरी उसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इस तो उसका टाइटल है, ठीक है। वॉल्यूम 1 का टाइटल है एंशंट इंडिया, ठीक है। उसके अलावा वॉल्यूम 2 और 3 के टाइटल्स यहाँ दे रखे हैं, वॉल्यूम 2 और 3 के नेम्स यहाँ दे रखे हैं, ठीक है। और एक नोट दे रखा है वॉल्यूम 3 हैज़ बीन पब्लिश्ड बट नॉट प्रोक्योर्ड बाय द लाइब्रेरी, तो वॉल्यूम जो 3 है वो पब्लिश तो हो गई पर लाइब्रेरी के पास अभी नहीं है, और ये नीचे सीरीज दे रखी है, ठीक है। तो एंट्रीज देख लेते हैं मेन एंट्री कैसे बनानी है, ठीक है। अब ये देखिए ध्यान से, मेन एंट्री में कॉल नंबर आ जाएगा, उसके बाद इसका जो ऑथर थे, ठीक है, ऑथर का नाम आ गया सरनेम, ये इसका फर्स्ट नेम आ गया ब्रैकेट में डॉट, फिर आ गया टाइटल, जो मेन जो टाइटल था वो आ गया, टाइटल के बाद डॉट 3V, यानी कि 3 वॉल्यूम्स में ये अवेलेबल है। फिर ये बड़े ब्रैकेट में लिखा है V3 नॉट इन दी लाइब्रेरी, क्योंकि आपको मैंने बताया था नोट में लिखा था कि ये V3 पब्लिश तो हो गई बट लाइब्रेरी के पास नहीं है, तो इसलिए यहाँ मेंशन ज़रूर करते हैं। जो हम बताते हैं ना यहाँ पे कि कितनी वॉल्यूम्स में अवेलेबल है, तो अगर कोई कोई सी नहीं अवेलेबल होती तो उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं यहाँ पे, तो ये बड़े ब्रैकेट में यहाँ पर इसने लिख दिया, ठीक है। तो आपको ये चीज़ जो है ना पेंसिल से लिखनी है, ये चीज़ें इसको आपको पेंसिल से लिखना है, क्योंकि कभी भी हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है, कल को हो सकता है लाइब्रेरी के पास ये आ जाए, इसलिए इस चीज़ को पेंसिल से लिखा जाता है। फिर उसको बाद डॉट लगा देंगे, उसके बाद V1 डॉट इसका नाम आ जाएगा, V1 का वॉल्यूम 1 का था ना एंशिएंट इंडिया, वॉल्यूम 2 का था मिडिवल इंडिया, वॉल्यूम 3 का था मॉडर्न इंडिया, तो V3 डॉट मॉडर्न इंडिया। ये सीरीज़ आ गई, सीरीज़ का नाम आने के बाद डॉट लगा के ED बाय सीरीज़ के एडिटर का नाम आ गया, डॉट लगा के सीरीज़ का नंबर आ गया, ब्रैकेट क्लोज डॉट, और ये हमारा एक्सेशन नंबर आ गया। इसकी एडिट एंट्रीज बताती हूँ, इसकी ट्रेसिंग हो गई, ठीक है, ई सी आई ओपन करा चेन प्रोसीजर से, V44 44 पे इंडिया, V पे हिस्ट्री, ठीक है। ये लाइन आपको पूरी लिखनी है फर्स्ट में, तो सेकंड में हाफ लिखनी है, 4 डॉक्यूमेंट डैश डैश करके क्लास नंबर, तो हिस्ट्री V, ठीक है। नेक्स्ट बनेगी हमारी ऑथर की, तो ऑथर दे रखे थे मेन ऑथर थे जो ये महाजन विद्याधर, फिर टाइटल आ गया डॉट 3V डॉट, और ये भी पूरा आएगा पेंसिल से आएगा यहाँ पे भी, और ये इसका कॉल नंबर आ जाएगा। फिर ये बन गई सीरीज़ की, ठीक है,
सीरीज़ भी आई तो इस सीरीज़ का नेम आ गया, सीरीज़ का नंबर यहाँ आ जाएगा, फिर जो हमारे ऑथर थे मेन उनका सरनेम आ जाएगा, कॉलन लगा के टाइटल आ जाएगा पूरा, डॉट थ्री वी डॉट, फिर ये वी थ्री नॉट इन दी लाइब्रेरी आ जाएगा ये पेंसिल से, फिर डॉट, फिर ये हमारा पूरा कॉल नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब ये बनी है क्या सीरीज़ के एडिटर की एंट्री, जो CRI होती है ना वो बनी है, एडिटर ऑफ द सीरीज़, एडिटर ऑफ द सीरीज़ CRI। तो एडिटर का नाम आ गया यहाँ पे रमेश चंद्र। अभी पूरा इसलिए आया क्योंकि चंद्र कोई सरनेम नहीं होता, ठीक है ना, सरनेम होता तो सरनेम फोन नेम में आता, रमेश चंद्र कॉमा ED, ED को अंडरलाइन डॉट, उसके बाद सी करके इंडियन हिस्ट्री सीरीज़, सीरीज़ का नाम आ जाएगा क्योंकि इसी के एडिटर है वो। ठीक है, तो यहाँ हमारा मल्टी वॉल्यूम जो चैप्टर था वो ख़त्म हुआ। ओके, तो हमने सारी मल्टी वॉल्यूम की एंट्रीज़ देख ली, तो ये फिनिश होता है यहाँ पर। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।